वृंदावती को सिंदूर लागी करा जायनी काहेकि ना वृंदावती पाखे भगवान श्री हरि बास तेणु हरि को सिंदूर लागी करा जायनी। आमे माता वृंदावती को जल समर्पण केमिति करिबा कि कार्तिक मासरे आमे तुलसी चयन करिबा नाही। जदि आमे कार्तिक मासरे तुलसी चयन करिबा नाही ताहाले भगवान श्री हरि को केमिति आमे तुलसी समर्पण करिबा। जय मा सरला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पाराडाइस यूट्यूब चैनल को मुझ आस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आज वीडियो बहुत नॉलेजफुल अच्छी। आज आम आलोचना करवा कार्तिक मासरे माता वृंदावती को केमिति पूजा करवा जहाद्वारा कि पूरा कार्तिक मासर पुण्यफल आमको प्राप्त हो पार। कार्तिक मासरे तुलसी चयन करवा उचित ना अनुचित, कहीं कहीं कहते कि कार्तिक मासरे तुलसी तोला जाए ना बोली, तो यही शंका उपरे आज आम डिस्कशन करिबा। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छे आपको निवेदन करी शेष पर्यंत देखु। जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करूँ, वीडियो को लाइक करेंगे। आपण मन में टॉपिक को नहीं जदि कौन क्वेश्चन बा डाउट था मत कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखे। दर्शक बंधु, आज आज डेरी करानी आसतु आरंभ करवा आज अध्याय। दर्शक बंधु, ये कार्तिक मासरे तुलसी पूजा बा वृंदावती पूजा करिबार बड़ महत्व रही। कार्तिक मास कहिले साधारणतः आम मन भितर को प्रवेश करियासे सूर्य पूजा करिबा, प्रभु श्री हरि पूजा करिबा, माता वृंदावती को पूजन करिबा, अँला वृक्ष को पूजन करिबा। एणु तुलसी पूजन महत्व, तुलसी पूजन महात्म्य कार्तिक मासरे मुख्य भूमिका ग्रहण करती। एणु तुलसी पूजन महात्म्य को प्रतिपादन करने को जाई शास्त्र कहते तुलसी तरुमलेशु पुण्य देशेशु पुण्यदम अधिष्ठानम च तीर्थानम सर्वेशु च भविष्यति। अर्थात माता वृंदावती मूल प्रदेश रे बा तुलसी गच्छर मूल प्रदेश रे समस्त तीर्थ माने निवास करी थांती। भारत वर्ष रे जेते सबु पुण्य तीर्थ नदी रहिले, पुण्य तीर्थ स्थान रहिले, समस्त तीर्थ तुलसी वृक्षर मूल निवास करी थांती। आहुरी मध्य शास्त्र कहती तस्या मूले स्थित ब्रह्मा मध्य देव जनार्दन मंजर्ज्या अवसते रुद्रम तुलसी तेन पावनी। अर्थात माता तुलसी मूल प्रदेश रे ब्रह्मांकर वासस्थान, मध्य भागरे विश्वपालक विश्वनियंता प्रभु श्रीहरिंकर वासस्थान, एवं तुलसी वृक्षर मंजरी रे बा जटारे प्रभु श्री सदाशिव निवास करती। एणु तुलसी वृक्ष सब पवित्रा। ये कार्तिक मासरे वृंदावती को पूजा करिबा बा तुलसी पूजन करिबा निहाती आवश्यक। तुलसी को पूजा करिबा पूर्वरु तुलसी मूल रे जल समर्पण करिबा पूर्वरु माता वृंदावती को प्रणाम करिबा निहाती जरूरी। प्रणाम करिबा पाई मंत्र शास्त्र सुंदर भाव रे दियंती महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसीत्वम नमस्तुते। यही मंत्र को उच्चारण करी प्रथमे माता वृंदावती को आमे प्रणाम करिबा। प्रणाम करी सारेला परे माता वृंदावती को जल समर्पण करिबा। जल समर्पण करिबा पाई मने रखिबा दरकार आमे जेतेबेले माता वृंदावती को जल समर्पण करिबा आमर मुह पूर्व किंबा उत्तर दिग को रहिबो। जेतेबेले माता भगवती वृंदावती को आमे जल समर्पण करिबा पूर्वाभिमुखी होई किंबा उत्तराभिमुखी होई जल समर्पण करिबा। शास्त्र कहते प्रांगमुखो उदगमुखो वापी स्थित्वा प्रायत मानस ध्यायच तुलसी देवी श्यामम कमल लोचनम। शास्त्र कहले कि प्रांगमुखो उदंगमुखो वापी पूर्व किंबा उत्तराभिमुखी होई माता वृंदावती को जल समर्पण करिबार विधि रही। माता वृंदावती को जल समर्पण करिबा समय रे केउ मंत्र को उच्चारण करिबा। बहुत सारा दर्शक बंधु एक कथा जानिबा को बहुत सारा कमेंट भी करिथिले जेतेबेले आपण माता वृंदावती को जल समर्पण करुचंती मंत्र मन रखंतु श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनेश्वा। ये हूँ माता वृंदावती दशाक्षर मंत्र, दशटी अक्षर को नहीं मंत्र मंत्री मन रखत श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनेश्वा। यही मंत्र को आप उच्चारण करी माता वृंदावती को आप जल समर्पण करेंगे।
दशाक्षर मंत्र को जप कर सारिबा परे माता वृंदावतींकर नामाष्टक स्तोत्र आपण निहाती जप करिवे। नामाष्टक स्तोत्र को बोलिवे, नामाष्टक स्तोत्र मन रखंतु। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सार आनंदेश तुलसी कृष्ण जीवनी। ये हूँ माता वृंदावतींकर नामाष्टक स्तोत्र। आपण ये नामाष्टक स्तोत्र को उच्चारण कर माता वृंदावती को जल समर्पण करें। जल समर्पण कर सारा पर माता वृंदावती को सिंदूर लागी करेंगे। बहुत सारा दर्शक बंधु मान भी डाउट थिला कि माता वृंदावती को सिंदूर लागी करा जाएनी, कहीं वृंदावती पाखे भगवान श्री हरि बास तेणु हरि को सिंदूर लागी करा जाएनी। ये संपूर्ण भूल। शास्त्र कहते माता वृंदावती को आम सिंदूर लागी करि परिबा। सिंदूर समर्पण करिबार मंत्र ओं सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। ए मंत्र को उच्चारण करि माता वृंदावती को आमे सिंदूर लागी करिबा। सिंदूर समर्पण करि सारिला परे माता वृंदावती को चंदन समर्पण करिबा। चंदन दबा समय रे आपण केउ मंत्र को उच्चारण करिवे, गंधद्वार अंधराधरष्टम नित्य पृष्ठा करिषिणी ईश्वरी सर्वभूतानं त्वामिहो पयो श्रियम। ए मंत्र को उच्चारण करि आपण माता वृंदावती को चंदन लागि करिवे। चंदन समर्पण करि सारिला परे माता वृंदावती को पुष्प समर्पण करिवे। पुष्प समर्पण करिवार मंत्र रहिछि ओम मंदार परिजताप्त्या पाटली केतकी तथा मरुबामो सरम चैव ग्रहणाशु नमो नमः। ए मंत्र को उच्चारण करि माता भगवती वृंदावती को आपण पुष्प लागि करेंगे। पुष्प समर्पण करि सारिला परे धूप समर्पण करिवे। धूप दबा पई मते मंत्र रहिछि आपण तले माता वृंदावती को धूप दर्शेबे। मंत्र मन रखंतु, वनस्पति रसोत्पन्न गंधाढ्या गंधोत्तम आघ्रेय सर्वदेवानं धूपयोम प्रतिरुह्यताम। ए मंत्र को उच्चारण करि आपण धूप समर्पण करिवे। तापरे माता भगवती वृंदावती को आपण दीप प्रज्वलन करिवे। जितेबले आपण माता वृंदावती को दीप समर्पण करिवे मन रखंतु, दीपर मुह उत्तर किंबा पूर्व दिग को रहिबा दरकार। आपण जितेबले दीप स्थापन करिवे दीप को साक्षात भूमि उपरे न रखी कोनोसी आसन उपरे दीप को स्थान देबे। स्थापना करि माता वृंदावती को आपण दीप समर्पण करिवे। जितेबले आपण दीप समर्पण करिवे मंत्र मन रखंतु, ओम कर्पूरवर्ती संयुक्तम घृत जुगतम मनोहरम तमोनासम कर्म दीपम गृहाणम परमेश्वरी। ए मंत्र को उच्चारण करि आपण दीप समर्पण करिवे। दीप समर्पण करि सारिला परे आपण नैवेद्य लागि करिवे। जितेबले आपण माता वृंदावती को नैवेद्य देबे, नैवेद्य समर्पण करिबा पई पूर्वरो जो दशाक्षर मंत्र कहिली माता वृंदावती को, से दशाक्षर मंत्र को उच्चारण करि आपण नैवेद्य समर्पण करिवे। दशाक्षर मंत्र कोण? श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनेश्वरा। ए दशाक्षर मंत्र को आपण उच्चारण करि माता वृंदावती को नैवेद्य लागि करिबे। एहिभरि भाबरे आपण कार्तिक मास रे पंचोपचार रे माता वृंदावती को पूजा करिवे। एबे सबटरु गुरुत्वपूर्ण कथा आसुची, आमे माता वृंदावती को जल समर्पण केमिति करिबा। प्रथमत मु कहिले आपण पूर्व किंबा उत्तरमुखा होई माता वृंदावती को जल समर्पण करिवे। तो जल समर्पण करिवार कोन रहिछि विधि, केमिति आमे माता वृंदावती को जल समर्पण करिबा, शास्त्र कोन कोंती सुनंतु। शास्त्र कोंती पाद्ये पाद्यम समर्पयामि, अर्थात पाद देशरे पाद्य कहले जल समर्पण करा जाए। माता वृंदावती पाद तुलसी मूल, तेणु आपण जितेबले जल समर्पण करिबे माता भगवती वृंदावती मूल ही जल समर्पण करिबे। शास्त्र कहिछन्ते ना, तुलसी गछर मूल प्रदेश रे समस्त तीर्थ मानकर बास स्थान। तेणु आपण जितेबले माता वृंदावती जल समर्पण करिबे प्रथमे मूल रु ही जल समर्पण करिबे। जितेबले आपण माता वृंदावती जल समर्पण करिबे तुलसी गछर मूल प्रदेश रे गोटे छोट गिना बा छोट बाउल गोटे आपण रखि देबे। प्रथमे माता वृंदावती मूल प्रदेश रे जल समर्पण करिबे। तीन थर जल समर्पण करि सारिला परे गोटे जल धारा मूल प्रदेश रु अग्रभाग पर्यंत आपण देबे। आपण हाथ रे गड़ु बा ढाळ धरिथिबे, माता वृंदावती मूल प्रदेश रे जल समर्पण करुचंती। मूल रु जलधार दे दे आपण पूरा अग्र पर्यंत जिबे। तुलसी रो अग्रभाग रे जितेबले जल लागि हबो से जल तुलसी पत्र रे
जोग हो आपण गूल रखि जो बाउल से बाउल रे कि जल पड़ जोबले आपण माता वृंदावती समस्त पूजा कार्य समापन कर सारे जो तुलसी पत्र लगी जो जल जो बाउल रे थी आपण से जल को महाप्रसाद माता भगवती वृंदावती चरणामृत मन करी आपण ताको पान करेंगे। यह द्वारा आम जनातर अजनतार जदि किसी आम द्वारा पाप कार्य हो जाए से पाप कार्य आमको मुक्ति मिल पार। दर्शक बंधु ये थिला कार्तिक मासरे माता भगवती वृंदावती को पूजा करिबार विधि विधान। एबे जो प्रश्न आसुची कि कार्तिक मासरे आमे तुलसी चयन करिबा नाही, जदि आमे कार्तिक मासरे तुलसी चयन करिबा नाही ताहले भगवान श्री हरि को केमिति आमे तुलसी समर्पण करिबा। आम शास्त्र कहिले कार्तिक मासरे पांचटी द्रव्य रे जदि आमे श्री हरि को पूजा करूचे ताहले वर्ष तमाम पुण्यफल आमको प्राप्त होता है। पांचटी द्रव्य भितर तुलसी पत्र अन्यतम, तेणु जदि आमे कार्तिक मासरे तुलसी चयन न करिबा ताहले प्रभु श्री हरि को केमिति आमे तुलसी समर्पण करिबा। शास्त्र कहंती पंकजम पंचरात्र स्यात् दशरात्रकम बिल्वकम एकादशाह तुलसीम नैव परजुषिता भवेत्। एकादशाह तुलसी एगार रात्रि पर्यंत तुलसी बासी हेबेनी आमे घरे रखी शुद्ध स्थान रखी प्रभु को पूजा करि पारिबा। अच्छा एगार दिन पर तुलसी कोठ आणिबा, जदि आमे तुलसी चयन न करिबा ताले कार्तिक मास रे प्रभु श्री हरि को कोन समर्पण करिबा। तेणु यह होची संपूर्ण भ्रांत धारणा, कार्तिक मास रे आमे तुलसी चयन करि पारिबा। तुलसी छिड़ीबार विधि विधान मु आगुरु आपणको जणैछि क्यों क्यों तिथि रे क्यों क्यों बार रे क्यों समय रे तुलसी चयन करा जाय नै, आपण से समय को बाद देई अलगा समय रे आपण तुलसी चयन करी प्रभु श्री हरि को समर्पण करि पारिबे। बहुत सारा दर्शक बंधु आउ गोटे कथा मते पचारिथिले कि जेउ तुलसी गछ को आमे पूजा करूचे से तुलसी गछरु तुलसी पत्र चयन करी प्रभु को समर्पण करि पारिबा कि? आज्ञा, जेउ तुलसी गछ को आमे अमर चौरा रे स्थापन करी पूजा करूचे सही तुलसी गछरु तुलसी चयन करी प्रभु श्री हरि को आमे पूजा करि पारिबा। जो तुलसी गच्छ को आमे पूजा न करूचे से तुलसी गच्छरु अगाधुआ तुलसी पत्र चयन करि पारिबा कि? देखंतु दर्शक बंधु, तुलसी रो अर्थ पवित्र, तेणु अगाधुआ केबे भी तुलसी गच्छ को स्पर्श करिबा उचित नुहे। से पूजा तुलसी हुंतु बा अपूजा तुलसी हुंतु, तुलसी सबुबेले पवित्र, तेणु आमे जेतेबेले तुलसी चयन करिबा ता मोर पूजा तुलसी गच्छर हो बा अन्य तुलसी गच्छर हो सबुबेले स्नानादि कर्म समापन करी आमे तुलसी चयन करिबा। दर्शक बंधु ये थिला कार्तिक मासरे माता भगवती जगज्जननी वृंदावती को तुलसी को आमे केमिति पूजा करिबा जहा द्वारा कि आमर पूरा वर्षर पुण्यफल आमे प्राप्त करि परिबा। दर्शक बंधु आशा करिबे आज अध्याय आपनको भल लागितिबो, जदि आपनको टॉपिक भल लागिथाय ताले प्लीज अन्यको शेयर करिबो अन्यको जणेबे। पुनि आसीबी आगामी अध्याय आउ एको सुंदर टॉपिक नै से परंत आपन माने भलर थांतु खुशी थांतु। मते विदाय जंत रहली। जय मा सरला, जय गुरुदेव।